हेलो गाइस गाइस, जिस तरह से हमने जो है पिछली वीडियो में जाना था कि किस तरह से हम जो है किसी भी ट्रांसफॉर्मर को इजीली कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही है या फिर खराब हो गया है, तो गाइस आज की वीडियो में मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो है जो एम्पियर्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर के उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो गाइस ओनली आपको जो है वीडियो में बने रहना है और हम जो है इसमें पूरी तरह जान सकते हैं कि इजीली कि हम जो है किसी भी ट्रांसफॉर्मर के एम्पियर्स को किस तरह से निकाल सकते हैं कि आखिर वो कितने एम्पियर का है। गाइस जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं ट्रांसफॉर्मर को लेने के लिए, तो गाइस आप उसको 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर बोल देते हैं, पर गाइस वो जो है एम्पियर के हिसाब से आपसे पूछता है कि आपको कितने एम्पियर का चाहिए, 5 एम्पियर का चाहिए, 10 एम्पियर का चाहिए, तो आपको उसको एम्पियर भी बताने पड़ते हैं। और गाइस मार्केट वाले कुछ ऐसे करते हैं कि वो जो है आपको ज्यादा एम्पियर का बता के कम एम्पियर का भी दे देते हैं, तो आपको जो है इसको चेक करना जरूर आना चाहिए। तो गाइस इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर इजीली हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मल्टीमीटर चलाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है। क्यों गाइस, आपको जो है आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको जो है कोई सा भी अपना ट्रांसफॉर्मर ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है कोई सा भी ट्रांसफॉर्मर लेने के बाद आपको जो है मान लीजिए मैंने ये वाला ट्रांसफॉर्मर ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो मल्टीमीटर है इसको आपको किस तरह से सेट करना है, कहां पे कौन सी प्रोब लगेगी, वो इसमें अभी हम देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको जो यहां पर देखते हैं मेरे पास 909 का जो है ट्रांसफॉर्मर है, पर गाइस मैं जो है इसको अभी यहां पे चेक करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको जो है आप इसको डायरेक्ट एम्पियर नहीं चेक कर सकते। आप ओनली इजिली इसको जो है ये तो पता कर सकते हैं कि इससे मल्टीमीटर की मदद से ये सही है या फिर बेकार है, पर गाइस आप जो है इसको इजिली एम्पियर चेक नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये ना हो, ठीक है। तो गाइज ये क्या है, गाइज ये जो है आपको कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ को नहीं भी पता है, ये गाइज कमेंट पर जरूर बताना आपको कि ये पता है या फिर नहीं पता है, ठीक है। ये गाइज ये है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। इसको इसका क्या काम होता है, इसका गाइज काम होता है ये जो है एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी आप जो है इसको ट्रांसफॉर्मर लगाने के बाद आप जो है इससे इजिली डीसी ले सकते हैं, वो भी प्योर, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर लगता है ये इसी के लिए लगाया जाता है, क्योंकि हमें जो है प्योर डीसी चाहिए तो इसके लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। तो आपको जो है इसकी जरूरत और पड़ने वाली है। गाइज अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो प्लीज एवं नीचे जरूर कमेंट करना, मैंने इस पर अभी तक ऑलरेडी से वीडियो नहीं बनाई हुई है तो मैं जो है इस पर वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं, मेरे पास लाइक्स ज्यादा आती है और कमेंट आते हैं, तो मैं जो है इस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आपको ये चाहिए, ठीक है। पहले अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जो है इसको अगली वीडियो में बनाना सिखा दूंगा आपको। ओनली आपको जो है अब इन ट्रांसफॉर्मर पर आना है, आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इनको आपको जो है सप्लाई में लगा देना है। आपको पता होगा ये जो है हमारी प्राइमरी होती है और ये सेकेंडरी होती है, तो हमें जो है ये जो है हमें मेन सप्लाई में लगा देनी है, क्योंकि हमारे जो है 230 वोल्ट से या 40 वोल्ट से ये जो है ऑपरेट किए जाते हैं, तो आपको जो है सिंपल उसमें लगा देनी है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो है मेरा अभी यहाँ पे खराब हो गया है, तो मैं जो है अभी क्या करने वाला हूं, आपने अक्सर ब्रिज रेक्टिफायर को सर्किटों में भी लगा हुआ देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरह से लगाओ रहते हैं, पीसीबी में किस तरह से सेट होते हैं, तो वो जो है अभी मैं बता देता हूं। चलिए इसको इधर रखता हूं और इनको भी इधर कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है इस सर्किट को यहाँ पे सिंपल लेके आ जाता हूँ दिखाने के लिए ओनली आपको, और इसमें ही मैं आपको एम्पियर्स भी चेक करने बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे 4 डायोड्स जो है मेरे पास लगे हुए हैं, ठीक है। 5408 हो सकते हैं गाइज, ये अभी मुझे फिक्स वैल्यू इनकी नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 डायोड लगे हुए हैं, तो गाइज 4 डायोड का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो वहां से जो है आपका ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो वहां से बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे सर्किट में 4 रेक्टिफायर लगे हुए हैं, यानी 4 जो है डायोड लगे हुए हैं, रेक्टिफायर नहीं कह रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें जो है ट्रांसफॉर्मर के जो वायर्स हैं, चलिए मैं दरकार थोड़ा, ट्रांसफॉर्मर के जो वायर्स हैं वो इसमें लगा दिए मैंने, ठीक है। यहाँ से मेन सप्लाई आती है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मर हमें 12 वोल्ट दी, उसके बाद इसने जो है डीसी में कन्वर्ट करा, उसके बाद जो है हमारे जितने भी डिवाइस के कंपोनेंट्स हैं वो जो है यहाँ पे ऑपरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको जो है डीसी बनाने के लिए इसका जरूर यूज करना होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं सिंपल इसको यहां से ही आपको अब मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है इजिली इसमें से एम्पियर चेक कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर के ही एम्पियर हम इसमें इजिली निकालने वाले हैं। मुझे लगता है गाइज ये जो है 12 वोल्ट का जो है ये जो है 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, हाँ गाइज ये जो है 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीमीटर में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। मल्टीमीटर में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो है इसमें एम्पियर चेक करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। गाइज बहुत से लोग जो है कंफ्यूज होता है कि कहां पे है और किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, तो गाइज यहां पे आप देख सकते हैं 10A, यानी ये जो है आप जो है इससे एम्पियर इजीली चेक कर सकते हैं। पर गाइज एक कंडीशन है इसमें, यहां से आपको जो है इन दोनों प्रोब्स को चेंज करना होगा, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास रेड प्रोब है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस रेड वाली प्रोब को उठा के अब मैं जो है इसको ऊपर वाले में लगा देता हूं, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं जो है इसको एक बार लगाता हूं, तो लगा दिए अब मैंने, और ये जो कॉमन वाली वायर है इसको आपको कॉमन ही रहने देना है, इसको आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब आपको करना है, आपको ये जो इसकी जो प्रोब है इसको आपको घुमा के
आपको ये 10 पे यहाँ पे सेट कर देनी है जो प्रो बैच की, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे सेट करने के बाद अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, अब आपको इजीली जिस तरह से आप किसी भी कंपोनेंट को चेक करते हैं उसी तरह से आप इसमें इजीली अब एम्पियर्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं जो है इसको एक बार यहां से इसको कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्ट करने के बाद और फिर देखता हूं कि इसमें जो है सप्लाई आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए एक बार मैं जो है इसको कनेक्ट कर देता हूं एक बार, ठीक है। तो गाइज मैंने जो है अब ये क्या किया है, अब मैंने ये जो है इजिली इस पे जो है मैंने सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब आपको सिंपल यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे जो दोनों प्रोब्स हैं इसको आपको कहां पे लगाना है ये कंडीशन और आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं आपने जो है इसके जो वायर्स हैं ट्रांसफॉर्मर के ये तो इस पे लगा दिए, पर जो आगे सप्लाई निकल रही है यानी इसमें से जो डीसी बन रही है उस पे से आपको यहां से आप इजिली उस पे से चेक कर सकते हैं एम्पियर्स को। गाइज एसी सप्लाई में आप जो है एम्पियर्स को इतनी जल्दी चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, अब आपको यहां पे जो दोनों प्रोब्स लेनी है, लेने के बाद आपको सिंपल इस पे एक तो इस पे और एक इस पे, ठीक है। आपके में पीसीबी है या फिर एक बार एक मिनट, ठीक है। मान लीजिए ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मर के वायर्स हैं वो मैंने इन दोनों पे लगा दिए, ठीक है। अब ये जो दोनों वायर्स हैं ये जो इधर का है और एक इधर का है, ठीक है। अब आपको इन दोनों को यहां से हटा के यानी इसमें से जो है अब इन दोनों प्रोब्स को आपको इजीली लगा देना। गाइज मैं जो है एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आपको कि किस तरह से आप इसको लगा के चेक कर सकते हैं। आपको कुछ लोगों को समझ में भी आ गया होगा किस तरह से मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओनली आपको जो है ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मर के बाहर से एक इस पे लगाना है, एक इस पे लगाना है। अब आपकी जो सप्लाई है वो यहां से निकलेगी, ठीक है, जो कि डीसी बन के निकलेगी। तो इस तरह से आप जो है इस पे से एम्पियर्स चेक कर सकते हैं और वही तरीका मैं जो है इस पीसीबी पर भी अपनाने वाला हूं, ठीक है। चलिए मैंने जो है लगा दिया है, लगाने के बाद दोनों प्रोब्स को मैं इस पे लगाता हूं और फिर देखता हूं कि इसमें जो है कितने एम्पियर्स मेरे शो करते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने लगा दिया है और अब मैं इस पे जो है एक मिनट इस पे लगाया था प्लस माइनस का आपको जो है ध्यान रखना है या फिर नहीं भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं गाइस इसमें जो है 6.73 कुछ एम्पियर्स जो है लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप जो है इसमें इजीली चेक कर सकते हैं कि कैसे कितने एम्पियर का आपका जो है इसमें ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। मेरा यहां पे 5 एम्पियर का जो है ट्रांसफॉर्मर इसमें लगा हुआ है, पर इसमें जो है कुछ ज्यादा भी दिखा रहा है क्योंकि ये जो है इसकी वाइंडिंग जो है अलग से लगाई गई है। तो गाइस इसमें जो है कुछ आपको कम ज्यादा भी दिखा सकता है, उसने मुझे 5 एम्पियर का बोल के दिया था ये ट्रांसफॉर्मर, पर ये जो है उससे कुछ ही ज्यादा ही है। और जब इसको लोड पे हम लगाएंगे तो वो जो है ऑटोमेटिक 5 एम्पियर पे ही आके सेट हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप जो है किसी भी ट्रांसफॉर्मर के एम्पियर्स को चेक कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको इसमें चेक करके दिखा दिया। चलिए एक बार और दिखाता हूं मैं आपको, इस पे लगाना, इस पे लगाना है। तो यहां से आप देख सकते हैं फिर दोबारा से आपके पास 6. कुछ एम्पियर्स यहां पे लिखे हुए आ रहे थे। तो गाइस इस तरह से आप जो है किसी भी ट्रांसफॉर्मर गए इजीली आप जो है एम्पियर्स को चेक कर सकते हैं। और गाइज मेरे दोस्त का एक कमेंट आया था, पता नहीं नाम भूल गया हूं मैं उसका, तो भाई वो भाई बोल रहे थे कि भाई छोटे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनको आप चेक करके बताइए कि किस तरह से आप जो है उसको पता कर सकते हैं कि सही है या फिर बेकार है। गाइस उसमें मैं आपको उस भाई को बताना चाहता हूं, गाइस ऐसा इनमें कुछ भी नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। गाइस ट्रांसफॉर्मर है, आप जो है इसको जिस तरह से मैंने इन दोनों को चेक करके बताया है उसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यही है छोटा ट्रांसफॉर्मर, अगर मैं आपको चेक करके देखा तो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जो है आपको इसे चेक करके नहीं बता सकता। जिस तरह से मैंने इन दोनों का तरीका बताया है उस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं सही है बेकार है आपको वहां से पता चल जाएगा। और गाइस इस वीडियो मैंने आपको जो है एम्पियर्स ही बताने थे तो मैंने आपको जो है इजिली एम्पियर्स बता दिए हैं। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो अगली वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो बस गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।